उम्मीद करते हैं कि आप भागवतम पढ़ भी रहे होंगे सुनने के अलावा। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसका और भी लाभ होगा। एक चाइनीज सेइंग है कि अगर आप हर बार किसी को खाना खिलाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको खाना पकाना सिखा दो तो फिर आपको खाना खिलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात आपको हम श्रवण करना का बार बार कराएंगे, कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पर उसके साथ साथ अगर आप जो है खुद से सीख लें शास्त्र अध्ययन करने का, तो आपको क्या है खुद का जैसा है आध्यात्मिक आप प्रगति कर पाएंगे। यू विल गेट स्पिरिचुअल नरिशमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, राइट। तो हम लोग ने कल जो है 25वें श्लोक पर चर्चा किया था, चौथे अध्याय का, 5वें अध्याय का, हम तो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाथाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं प्रपूजय। नष्टप्रायेषु आनंद गुरु का मैं क्लास सुन रहा था, तो उनके यहाँ 64 राउंड हम लोग हर बार करते हैं। तो कई बार वो एक चीज़ बतलाते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए, यानी यू बिकम ओल्ड, तो आपका शारीरिक शक्ति नहीं रहेगी, और जो अभी हम कार्य कर रहे हैं शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है हम लोग किसी एक ही जगह पे रहें, एक ही बिस्तर पे रहें, तब उस समय अधिकांश लोग पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, उनका शरीर जो है खुद के साथ नहीं देता। तो बोले ऐसी अवस्था में जो है अगर आपको कृष्ण भक्ति में रस नहीं होगा तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और अगर आपको कृष्ण भक्ति में रस रहेगा तो शरीर की हालत बहुत खराब भी होगी, आप शारीरिक रूप से ज़्यादा कार्य नहीं भी कर पाओगे, तब भी कोई आपको मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप भक्ति में रस प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की हरि कथा में, भगवान का हरि नाम में आपको रस मिल रहा है। और फिर वो जो समय होगा तब आप बोलोगे कि मैंने पूरा जीवन भक्ति किया है, ये अभी अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव मतलब मेरे आखिरी के कुछ समय, भले वो महीने बोले या कुछ साल बोले, बस इस समय भी मैं पूरा ध्यान पूर्वक जो है भक्ति कर लेता हूँ और जन्म सार्थक जीवन सार्थक करके भगवद धाम को मैं प्राप्त कर लूंगा। तो हम लोग ने कल तक के जो है श्लोकों में सुना कि कैसे अगर हमको लग रहा है कि हमारे जीवन में माया का प्रभाव बहुत है, तो माया के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। 23 वाले श्लोक में बोलते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम पूरी तरह से वो कृष्ण की सेवा में लगा दें तो हम माया के जाल से बच सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं दिन में 15 घंटे काम करता हूँ, तो 15 की जगह 16 घंटे काम करिए और पूरा का पूरा जो है कृष्ण भावनामृत होके करिए, तो आप माया के जाल में नहीं पड़ेंगे। एक और भक्त लोग बताते हैं कि अगर आपको मन में, अगर आप समझ लीजिए दिन में आप 10 कार्य कर सकते हैं, तो भक्त बताते हैं कि 10 की जगह आपको 12 कार्य लेना चाहिए, 2 कार्य ज़्यादा लेना चाहिए। तो 2 कार्य ज़्यादा लेने का कारण क्या होगा? आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, हो सकता है आप एक आध कार्य नहीं भी कर पाए, लेकिन
उसका फायदा ये होगा, आप माया के जाल में नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा कृष्ण भगवान का स्मरण करते रहे। और 19वें श्लोक में हमने सुना कैसे गीता में प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने हमेशा इंद्र से जो है आश्वासन दिया है कि भक्त लोग जो भक्ति नहीं करते हैं तो इस जीवन में सार्थक पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो लोग जो हैं अगले जन्म में जो है सूचना स्मृताम गेहे, ऐसे घर में उनको जन्म होता है जो काफी धनी हैं या धार्मिक हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं है, उनसे भाग्यशाली वो भक्त हैं जिनको भगवान खुद जो है दंडित करते हैं और दंडित करते हुए उनको भक्ति के मार्ग में लगाए। प्रभुपाद जी ने बताया या मैंने प्रभुपाद जी ने शायद बताया था कि भक्तों को चांस नहीं लेना चाहिए ये सोच के कि मैं अगले जन्म में भक्ति कर लूंगा, और कृष्ण भगवान ने भी जो है श्योरिटी दिया है। प्रभुपाद बोलते हैं कि हो सकता है अगर हमें भोग विलास करने की इच्छा हो तो हमारे भक्ति के कारण हमें देवलोक भेज दिया जाए, और देवलोक में हम संपूर्ण रूप से आनंद तो कर लेंगे, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जब देवलोक से आप अपना जीवन व्यतीत करके वापस भूलोक में आओगे तो हजारों हजारों वर्ष चले जाएंगे, और ये जो गोल्डन एरा है महाप्रभु का वो भी निकल जाएगा, और घोर कलयुग में आके आपको भक्ति करनी पड़ेगी जो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो भक्त को चाहिए कि हर परिस्थिति में वो दिल लगा के भक्ति करे, और होशियार भक्त वो होता है जो जैसे कल हमने देखा कि हनुमान जी कैसे अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी उन्होंने विशाल काया का रूप बदला तो कभी एकदम छोटे से बिल्ली बन गए। तो भक्त को परिस्थिति देख के अपना बुद्धि लगाना है कि कैसे मैं हर परिस्थिति में भक्ति कर सकता हूँ, और भक्ति करने का इस अध्याय में सबसे मुख्य रूप बताया गया है भगवान की हरि कथा सुनना। तो यहाँ पे जितने भी भागवतम के श्लोक हैं उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि हमें भगवान का कथा सुनना चाहिए। तो जैसे बताया गया हमें रुचि ना भी हो कोई बात नहीं, जो है अपने हिसाब से जितनी क्षमता है उसके हिसाब से करते रहना चाहिए भक्ति। गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था विज्ञान इतना तरक्की करेगा और हम सारी की सारी प्रभुपाद की किताबें जेब में लेके घूमेंगे। तो बात सही है ये, हम लोग जो है मोबाइल के जरिए सब किताबें हमारी जेब में हैं अर्थात मोबाइल में हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि हमें पढ़ने की रुचि है कि नहीं। तो चलिए जैसे मार्क बताया गया है जितना श्रवण करेंगे श्रवण कर करके हमें रुचि आएगी हम कंटिन्यू करते हैं। तो 25वें श्लोक में जो है नारद मुनि अपना जो है पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं। उससे पहले इस अध्याय में जो है हमने देखा, इस अध्याय का मैंने शीर्षक बता दिया है जो पांचवा अध्याय है, हरि नाम की हरि कथा की महिमा। नारद मुनि विशेष रूप से व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि आपने भागवतम हरि कथा नहीं बोला नहीं लिखा, इसके लिए आप जो है असंतुष्ट हैं। और इस अध्याय का पूरा मर्म उसका सार यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा करना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, और वही नारद मुनि को भी बताया, नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को। तो अभी इतने भागों में अभी तक वो हमने देखा है, अभी 23-31 में नारद मुनि का जीवन का वर्णन आता है कि कैसे नारद मुनि जो है वो एक दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र होते हुए उन्होंने साधुओं की सेवा की 4 महीने के लिए। जब चतुर्मास्या होता है तो साधु लोग जो हैं वो लोग कहीं भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह स्थिर रहते हैं बरसात के समय में। तो आप देखिए अगर आप दूसरे अध्याय में ध्यान से आपने देखा होगा 16वां 17वां 18वां श्लोक, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए
शयन मह सेव्या विप्र, शयन मह सेव्या मतलब 16वें अध्याय में था, दूसरे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कि महत की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तब जाके आपको कथा रुचि मिलेगी, वासुदेव में भक्ति में आपको जो है रुचि मिलेगी। और यही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, नारद मुनि बतला रहे हैं अपने जीवन में कैसे उन्होंने महंत की सेवा की। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है भक्तों से कि ये आप समझ लीजिए कि कहीं पे भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है पूरे के पूरे शास्त्रों में। अगर जो आप गीता में देखेंगे वही आप भागवत में देखेंगे, वही आप जो है चैतन्य चरितामृत में देखेंगे। और भागवत में भी अगर आप, अभी हमने दूसरा स्कंद में दूसरा अध्याय में देखा कि सुखदेव गोस्वामी, सुतो गोस्वामी जो आपको शिक्षण दे रहे हैं उसमें बोलते हैं श्रवण करना, भगवान की हरि कथा सुननी। अब ये जो पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में चालू हुआ है वही 5वें अध्याय में भी है कि नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को कि आपको श्रवण करना चाहिए। अब आगे जाके देखेंगे कुंती महारानी है, उनकी उनके प्रार्थनाओं में आते हैं, वो भी बोलेंगी सबसे मुख्य चीज है श्रवण करना भगवान की लीलाओं में। फिर ऐसे करते हुए आप पूरे भागवतम में देखेंगे ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, गोपी गीत, उद्धव गीत, सब जगह एक ही चीज पे जोर दिया जाएगा, क्या कि भगवान की कथा का श्रवण करना। तो हमें रुचि नहीं है वो अलग बात है, पर जो मुख्य चीज पूरे भागवत में बताया गया है वो एक ही है कि भगवान का श्रवण करना, और भगवान के हरि कथा के श्रवण से ही हमको संपूर्ण रूप से आनंद मिलेगा। अभी जो है मैं जय भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का प्रवचन में था, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी बोलते हैं गीता में भी यही बताया गया है कि भगवान की हरि कथा का श्रवण करें। तो अगर आप देखेंगे 10वां अध्याय जो है गीता का, और उसके 9वें श्लोक में लिखा है मत सीता मत भद्राना वो जिनको से कर सकते सत्यं सत्यं स्वामी तुम कुशं तुम करने। जब भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बतला रहे थे कि अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो गीता में बताया है कि जब हरि कथा होगा, हरि कथा का श्रवण करेंगे तो उसमें संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्ति होगी और सबसे सर्वोत्तम तरह का आनंद। तो देखें जैसे मैंने बताया पूरे भागवतम में और गीता में भी एक ही चीज का वर्णन किया गया। तो मैंने जैसे बताया था प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसके 25-23वें श्लोक के 23 के बाद हम लोग ने जो है उन्होंने बताया 23 के श्लोक में कि किस तरह से जो है हमको माया से छूटना चाहिए, और 24वें श्लोक में बताया है कि जब तक कोई गुरु के शिक्षण को पालन नहीं करेगा संपूर्ण रूप से उसको भगवत धाम नहीं जा सकता, और गुरु के शिक्षण को पालन करने के लिए इंद्रियां वश में होनी चाहिए, वो आज्ञाकारी होना चाहिए और वो पूरी तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब नियम का पालन करने वाला पूरी तरह से। तो ये तीन गुणों का वर्णन है 24वें श्लोक में, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, इंद्रियां वश में होनी चाहिए उसकी, वो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और वो एक जो है पूरे डिसिप्लिन से कार्य करे। फिर 25वें श्लोक में आता है कि कैसे उच्छिष्ट लेपान जो है, उच्छिष्ट लेपान अनुमूल्यो तो द्विज, तो उन्होंने कैसे उनके आज्ञा से साधुओं की उन्होंने उनका महाप्रसाद प्राप्त किया। तो उसके तात्पर्य में जो है प्रभुपाद लिखते हैं प्योर डिवोशन इज एज मच इन्फेक्शियस इन गुड सेंस एज इन्फेक्शियस डिजीज। तो कल हम लोग बोल रहे थे कि कैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हरे उसी कृष्ण प्रभु प्रकार जी, से हरिवरण बोलिए। ध्रुव प्रभु जी, सब बोल रहे हैं कि थोड़ा आवाज कम आ रहा था, आप थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे तो शायद बढ़ेगा आवाज। ओके ओके, अभी आवाज आ रहा है जोर से? अभी यस आ रहा सर, है? ओके, तो 25वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे कोई बीमारी इन्फेक्शियस होती है वैसे ही शुद्ध भक्ति भी इन्फेक्शियस है। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति करेगा तो उसका असर दूसरों पे अपने आप पड़ेगा।
तो जैसे प्रभुपाद बोले, अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट डिवोटी। एक डिवोटी खुश है, आनंदित है, तो अपने आप ही वो दूसरों को प्रचार कर रहा है। तो अगर आपको, जैसे बोलते हैं, बीमारी होती है उसका इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन हो गया तो अभी जैसे कोरोना वायरस में बोल रहे हैं खांसी होगी, बुखार होगा, ऐसा सब होगा, तो वैसे ही शुद्ध भक्ति का इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको शुद्ध भक्ति का इन्फेक्शन हो गया है? आपको हरि कथा के प्रति जो है स्वाद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, और भौतिक चीजों के प्रति आपका रस नहीं रहेगा। तो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, पर जो भक्त होते हैं उनके पीछे पागल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको कहीं और से आनंद मिल रहा है। जो मैंने कल भी बताया, परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलता है भक्तों को। तो अगर आपके पहचान में कोई है जो नॉनवेज खा रहा है या कोई शराब पी रहा है वगैरह वगैरह, तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि आप नॉनवेज खाना बंद करें, आप शराब पीना बंद करें। आप उनको सिर्फ भक्ति में प्रोत्साहन करिए, उनको बोलिए आप जप करिए, भगवान का श्रवण करिए, तो धीरे धीरे उसका शक्ति इतना है कि अपने आप जो है वो ये सब चीजों से छोड़ सकते हैं। फिर 26वें श्लोक में बताते हैं कि जब वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे तो उसके बाद जो है उनकी आसक्ति बढ़ गई नारद मुनि की, जो वो पिछले जन्म में बालक थे। तो साधुओं के संग में जब हम सुनते हैं तो जैसे बोलते हैं धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही हमारा शुद्धिकरण धीरे धीरे हो रहा है जितने हम आतुरता से सुन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे, तो इसके 26वें श्लोक में तात्पर्य में शुरुआत में ही प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य इतना आकर्षक है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण का शारीरिक आकार संपूर्ण रूप से आकर्षित है, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी उतने ही अट्रैक्टिव है, उतनी आकर्षित है। तो हमें चाहिए कि हम बस नम्रता पूर्वक सुनते रहें सुनते रहें, तो फिर हम लोग को जो है उसकी तरफ संपूर्ण रूप से आकर्षण हो जाएगा, और जब उसका आनंद होने लगेगा तो फिर भौतिक रूप से किसी भी चीज के आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण बतलाता हूँ, कई बार जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाएगा तो शरीर की क्षमता जो है आनंद भोगने की कम होती रहेगी। जैसे कोई 15 साल में, 20 साल में जो जो है खा सकता है या जो एंजॉय कर सकता है, भाग सकता है, नाच सकता है, वो 30 साल में उतना नहीं कर पाएगा, 40 साल में और कम हो जाएगा, 50 साल में और कम हो जाएगा। तो भौतिक इंद्र तृप्ति उम्र के बढ़ते बढ़ते कम हो जाएगी, पर भक्ति ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको उसमें आनंद बढ़ते ही जाएगा। शारीरिक जो है आपका उम्र और शारीरिक तंदुरुस्ती भले ही कम हो, शक्ति कम हो, लेकिन भक्ति का आनंद आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ये भौतिक चीजों से कंप्लीटली उल्टा है। प्रोपा जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इसी 26वें श्लोक में कि हम लोग को बहुत आसक्ति है सुनने के लिए, तो हम लोग अधिकांश समय नेताओं की बात सुनेंगे या दूसरे कोई हीरो हीरोइन की बात सुनेंगे या फिर जो है यहाँ वहाँ की हम लोग बातें सुनेंगे, तो जिससे हमसे समय बर्बाद कर रहे हैं। वही चीज अगर हम कृष्ण के बारे में सुने तो हमारा पूरी तरह से मन आकर्षित हो जाएगा। मुझे मालूम है मेरे एक भक्त हैं आदिकर्ता प्रभु, वो इधर काम करते हैं ओबराय में, और कितने साल पहले मुझे मालूम है जब वो आते थे मेरे कार्यक्रम में मंदिर में, तो आके हर बार मेरे को कुछ ना कुछ बताने लगते थे कि प्रभु जी आज माइकल जैक्सन आया हमारे होटल में और माइकल जैक्सन ने ऐसे किया वैसे किया। तो थोड़े टाइम मैं भी सुनता था क्योंकि मुझे भी बड़ा रोमांचकारी लगता था, अरे माइकल जैक्सन आया इनके होटल में, क्या कर रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि अरे भैया मुझे इसको श्रवण कराना है, ये उल्टा हो रहा है, ये मुझे दुनिया भर का श्रवण करा रहा है। फिर मैंने बोला भाई आप ये सब बातें मत करिए, मैं आपको जो हरी कथा बतलाता हूँ वो सुनिए।
प्रोपा दिखते हैं इसके तात्पर्य में, सिर्फ श्रवण मात्र से आप भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए इसकी कितनी शक्ति है, इसमें बताया गया है कि सिर्फ श्रवण मात्र से आप भगवत धाम की पूरी प्राप्ति कर सकते हैं, कोई ज्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं प्रामाणिक लोगों से, आजकल वो रामायण आ रहा है, महाभारत भी चालू किया है, मैं इसको प्रामाणिक नहीं मानता हूँ क्योंकि जितने भी उसमें अभिनेता हैं कोई गारंटी नहीं है वो चार नियम पालन कर रहे होंगे, तो जितना भी आप उसका श्रवण करोगे उससे शुद्धिकरण नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विशेष रूप से कलयुग में ये मार्ग जो है बहुत जरूरी है श्रवण करना। अगर आपको याद होगा हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, आसी न दीर्घ साथरे न कथेम साक्षात हरे, तो नैमिषारण्य के जितने भी संत थे शौनक आदि गण, वो लोग को लगा कि दुनिया में इतना मुश्किल हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, इसका समाधान क्या है, हम लोग सब बैठ के लंबे समय के लिए भागवतम की चर्चा करते हैं। तो आप समझिए अभी कोरोना वायरस हो रहा है, हमारा योगदान ये है कि हम लोग रोज बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम के सुनने से जो है हम लोग वास्तविक रूप में जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं हमारे जीवन का भी और दूसरे जीवन का भी। जो आनंदान प्रो का मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई बुढ़ापा आ जाएगा जब शरीर व्यस्त, शरीर जो है पूरी तरह से बूढ़ा हो जाएगा, कुछ शारीरिक कार्य नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको भक्ति में रस है तो आप जो है विचलित नहीं होगे, आप उस समय में भी स्थिर रह सकते हो। अभी वही परिस्थिति अभी आ गई है, हम लोग बूढ़े नहीं हुए हैं लेकिन सब लोग कैद हो गए अपने घर में, तो जिनको भक्ति में रुचि है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा जप करना है और जप कर रहा है तो उसको भगवान का संपर्क का आनंद मिल रहा है। तो भगवान के संपर्क का आनंद तभी मिलेगा जब भगवान चाहेंगे, हमें तो अपने तरफ से ये दिखाना है कि हम सिंसियर हैं और ज्यादा से ज्यादा करना। उसी प्रकार से जो भागवतम पढ़ रहे हैं, जो भागवतम सुन रहे हैं, उनको जब भगवान का संपर्क मिल रहा है हरि नाम से, तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। और बाकी दुनिया जिनके पास भगवान का हरि नाम नहीं है, वो लोग आपको मालूम ही है क्या कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो कर करके बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी 27वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे जो है नारद मुनि बता रहे हैं पिछले जन्म में कि मैं श्रवण करके मुझे भगवान की तरफ बहुत आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई, और मेरा मन और शरीर, मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में केंद्रित हो गया। तो ये 27वें श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में कि हम जो है शरीर से कार्य नहीं करते, हम मन से और बुद्धि से कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में अभी हम लोग सब लोग ने सोच के रखा था चलो आज हम कथा सुनते हैं 4 बजे, तो पहले मन में बुद्धि में आ गया, हम लोग ने मोबाइल चार्ज करके रखा, बिल्कुल जूम के थ्रू कनेक्ट हो गए और अभी बैठ के सुन रहे हैं। तो शरीर हमारा इस वक्त हरि कथा सुन रहा है, लेकिन उससे पहले हमने मन और अपनी बुद्धि से इसके बारे में प्लानिंग कर लिया था। तो उसी प्रकार से आपको समझना है कि अगर आपका मन और बुद्धि संपूर्ण रूप से कृष्णा में केंद्रित रहेगा तो हमारा शरीर उसको जस्ट फॉलो करने वाला है, तो हम माया में कभी ज्यादा पड़ेंगे नहीं, अगर हम हमारा बुद्धि और मन पूरी तरह से कृष्ण पे केंद्रित रहे। तो फिर 28वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे मैंने, नारद मुनि बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में मैंने हरि कथा सुन सुन के जो मैं संपूर्ण उत्तम जो है भक्ति का स्तर, जो प्रेम का स्तर है, उस पर पहुंच गया और मेरे जीवन में पूरे रजोगुण और तमोगुण का पूरा विनाश हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 27वें श्लोक के बोलते हैं कि कैसे जो नदी होती है वो हमेशा बहती रहती है, बहती रहती है जब तक वो समुद्र को नहीं पहुंचे। तो उसी प्रकार से जब आपने एक बार भक्ति कर लिया तो जब तक हम उसके सार्थकता को पहुंचे नहीं तब तक हमें भक्ति करना चाहिए, और अगर कहीं यहाँ वहां चूक हो भी गई तो कृष्ण भगवान इस तरह से कार्य करते हैं जिससे वो अपने भक्तों को खींचते ही रहते हैं कि उनको परफेक्शन मिले, वो लोग भगवत धाम पहुंचे, और भगवत धाम नहीं पहुंचे तब तक इस
शरीर में भी संपूर्ण रूप से जो सबसे सर्वोत्तम चीज है भगवान के प्रेम को प्राप्ति करें, कृष्ण प्रेम को, तो वही 28वें श्लोक में बताया गया है। फिर हम 29वें श्लोक में पहुंच रहे हैं। 29वें श्लोक में वर्णन किया है कि कैसे नारद मुनि का जो पिछले जन्म में उनके ये थे, उनका व्यवहार कैसे था, वो हमेशा नम्र थे, उनकी इंद्रियां वश में थी और वो शरीर और मन से हमेशा भक्ति करते थे, उनके पाप पूरे खत्म हो गए थे। और मुझे पूरी तरह से, नारद मुनि बोलते हैं कि पूरी श्रद्धा थी इन साधु संतों पे जिनका मैं संग कर रहा था। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में पहले ही दो लाइन में लिखते हैं कि दीज आर नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर अ कैंडिडेट हु कैन एक्सपेक्ट टू बी एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ प्योर डिवोशन। अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है तो ये श्लोक बहुत जरूरी है, ये सब योग्यता होनी चाहिए और आपको शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए और नम्र रहना चाहिए और शुद्ध भक्त के जो भी शिक्षण है वो अपने जीवन में पालन करने चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, अ नियोफाइट डिवोटी मस्ट फेथफुली सर्व द प्योर डिवोटी और ही शुड बी ओबीडियंट टू फॉलो द सच इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप देखें, प्रभुपाद जी ने वही चीज लिखा है स्टार्टिंग में भी, मैंने आपको बताया था पहले अध्याय में जहाँ एक जगह वर्णन आता है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगा स्पिरिचुअल लाइफ में। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो है बताते हैं कि आपको गुरु को प्रसन्न करना है और गुरु को प्रसन्न करने के लिए दो योग्यता बताई गई है। अगर आप जो है ओबीडियंट है और सबमिसिव है, तो ये पहले अध्याय में बताया गया था। और फिर आके वापस से 5वें अध्याय में प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि अगर आप ओबीडियंट हैं, मतलब जो गुरु बोले वो आप करने को तैयार हैं, तब आपको हमेशा सार्थकता प्राप्त होगी। तो एक जगह प्रभुपाद बतलाते हैं कि गुरु को आप कभी भी जो है उनका ऋण नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ने आपको आध्यात्मिक भक्ति दी है। अगर ऋण उतारना ही है, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभुपाद के लिए, उन्होंने भागवत दिया, भक्ति दी, हरिनाम दिया, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक ही तरीका है गुरु का ऋण उतारने का, वो है यही ज्ञान, भक्ति का ज्ञान दूसरों को दें। अगर हम सबको लगता है कि प्रभुपाद जी ने हम पे कृपा की है, हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, हमें गुरु को, हमें प्रभुपाद जी को किसी तरह से जो है आदान प्रदान करना है, हमें उनको थैंक्स बोलना है, हमें उनको किसी से खुश करना है, तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि एक तरीका है, वो है आप यही ज्ञान दूसरों को बांटें। तो अभी 30वें और 31वें श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में बताया गया है कि सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान क्या है। सबको मालूम है, हम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं कि सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान ये है कि हमें जो है भगवान की हरि कथा सुननी चाहिए। ठीक है, तो 31वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं, दैट कंडीशंस सोल्स रॉटिंग इन द किंगडम ऑफ मटेरियल एनर्जी कैन कम बैक टू हिम बाय गिविंग अप एंगेजमेंट्स इन मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द नॉलेज। तो ये चीज जो है प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं कि सबसे गुह्यम, सबसे मुख्य ज्ञान क्या है कि भौतिक जगत में, अभी जैसे हम लोग ने टमाटर को सड़ते हुए देखा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे जीव जो है, जिस मतलब प्रभुपाद जी का शब्दों को ही मैं दोहरा रहा हूँ, हम लोग ने सब्जी को सड़ते हुए देखा है, तो हम जब देखते हैं सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ ककड़ी, तो आपको मालूम है फ्रिज में काफी दिनों से पड़ा रहता है, तो हम लोग देख के कुछ उसको हमें अच्छा नहीं लगता, उसको सीधा कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीव इस भौतिक जगत में सड़ रहा है, भले कोरोना वायरस हो ना हो, सड़ रहा है। तो उसके लिए बोलते हैं कि सिर्फ भगवान का हरि कथा श्रवण करेंगे और ये सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। नारद मुनि को साक्षात्कार पूरा प्राप्त हुआ, भले वो दासी पुत्र भी थे, तो वही मार्ग हमारे लिए भी खुला है अगर हम सिर्फ उनके नियमों का पालन करें।
अगर हम नारद मुनि ने जैसे सिखाया सेवा करें और श्रवण करें, अगर सिर्फ ये दो तीन चीज करेंगे उससे हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। तो ये 31 वाले श्लोक तक था। अभी हम 32 से जो है 40 वाला श्लोक लेंगे, नारद एडवाइसेस व्यासदेव। तो ये जो भाग है ये अंतिम पड़ाव है इस अध्याय का, और इसमें नारद मुनि का जीवन का पूरा चर्चा हो गया, उन्होंने शिक्षण दे दिया, वापस से वो व्यासदेव को शिक्षण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो 32वें श्लोक पर सब लोग साथ में हम लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं। एतत् संसचितं ब्रह्मं तापत्रया चिकित्सकं यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम। तो इसमें बता रहे हैं कि जितने भी मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, तो उसको कैसे निकालना है, हम अपना सब कार्य भगवान को केंद्र रख के करें, तो भगवान की भक्ति करें, तो उससे तापत्रय चिकित्सकम। तो देखिए ये शब्द वैसा ही है जो पहले स्कंद के, हम लोग पहले स्कंद में ही है, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में था, ताप त्रयो अनमूलनम। तो याद होगा मैंने आप लोग को बताया था, मूल मतलब जड़ होता है, और उन्मूलनम मतलब जड़ों से निकालना। तो भौतिक जगत में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जड़ से निकाल रही है ये भागवतम, और हम लोग जब श्रवण कर रहे हैं तो हम लोग भी इन सब चीजों से मुक्त हो रहे हैं। कैसे? यद ईश्वरे भगवती, अगर हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग इन चीजों से निकल के अपना पूरी तरह से हम भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका ये एक समझना जरूरी है, जब यहाँ पे लिखा है ताप त्रय चिकित्सिकम, चिकित्सिकम मतलब चिकित्सा होना, उसका ठीक होना। तो इन तीनों चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? तो कोई मन में किसी की शंका आएगी कि भाई मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं पर अभी भी मेरे को ये जो तीनों ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अर्थात दूसरे लोगों से परेशानी होना, मेरे खुद के मन से परेशानी होना, और ज्यादा गर्मी ठंडी इन सब से परेशानी होना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये ताप तो अभी भी चल रहा है, अभी भी मुझे तकलीफ है। तो प्रोपा जी दिखला बोलते हैं कि जो जितना भक्ति में केंद्रित रहेगा तो वो बाहर के वातावरण से, इन सब चीजों से विचलित नहीं होगा, और अगर वो विचलित हो भी रहा है लेकिन उसके साथ साथ भक्ति कर रहा है तो उसे ये समझना है ये उसका अंतिम जीवन है। और ताप त्रयो मूलनम या ताप त्रय चिकित्सकम का अर्थ होगा कि ये जीवन उसका अंतिम जीवन है जहां ये सब उसको परेशानी तकलीफ भोगना है। तो फिर 33वें जो है, तो इसके 32वें श्लोक में जो है बताते हैं प्रभुपाद जी कि हो सकता है कि कोई दवाई खाए लेकिन भगवान का अगर आशीर्वाद होगा तभी जो है उस दवाई का असर होगा, वो उसकी तबीयत ठीक होगी। दवाई खाने से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं है निश्चित रूप से कि उसकी तबीयत ठीक होगी, भगवान की कृपा होगा तभी तबीयत ठीक होगी। और प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि कोई जो है समुद्र पार करना चाहता है और बड़े शिप में बैठ गया है, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा होगी तो ही पार कर पाएगा, नहीं तो बड़ा से बड़ा टाइटेनिक बोट भी होगा तो अवश्य डूबेगा ही डूबेगा। तो प्रभुपाद जी इसके इसमें लिखते हैं तात्पर्य में एक और चीज कि हम कोई भी हों, अभी हमारे इतने सारे भक्तगण सुन रहे हैं, हम सबके लिए लागू है, हम कोई भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हमें चाहिए हम संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अपना मन शरीर पूरी तरह से एकाग्र करके लगाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक बनेगा। फिर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में वही चीज वापस से दोहरा रहे हैं। इस चैप्टर का जैसे मैंने बताया, उसका मेन, उसका जो पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन क्या है कि भगवान की हरि कथा सुनना। प्रभुपाद जी वही बतला रहे हैं कि हमें हरि कथा सुननी चाहिए, उससे हमारे जीवन के सारे कलमश हट जाएंगे। बट इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ सच एन अपॉर्चुनिटी वन शुड ट्राई टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एवरीथिंग फॉर विच वन हैज स्पेसिफिक अट्रैक्शन एंड दैट इज द वे ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर कोई ध्यान पूर्वक सेवा नहीं कर, श्रवण नहीं कर पाता है, तो कम से कम सेवा करने की कोशिश करे।
तो ये 12वें अध्याय में भी कृष्ण भगवान ने बोला है, सबसे उत्तम है हमेशा भगवान का स्मरण करना। वो नहीं कर सकते तो कम से कम 4 नियम पालन करो, 16 माला करो। अच्छा वो भी नहीं कर सकते तो भगवान की सेवा में मदद करो। तो वही चीज प्रभुपाद भी बतला रहे हैं यहाँ पे कि सेवा करें। फिर 33वें श्लोक में जो है बताया गया है, ये हम लोग सब साथ में श्लोक पढ़ते हैं। अमोयो यश्च भूतानां जयते येन सुवत् सुव्रता तदेव हि अमयम् द्रव्यम् न पुनते चिकित्सिकम्। इस चिकित्सितम मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं थेराप्यूटिकल क्योर। इसका हिंदी शब्द जो है वो भी चिकित्सिका ही है। तो चिकित्सिका में जो संस्कृत शब्द है और चिकित्सिका हिंदी शब्द है इसका। इसका शब्द इंग्लिश और संस्कृत में दोनों भारी है। इसका मैं हिंदी में आपको सरल चीज बताता हूँ कि जब हमें बीमारी होती है, ये उदाहरण दिया गया है नारद मुनि द्वारा, ये हाँ नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को, कि जब हमें बीमारी होती है किसी एक पदार्थ से, उसी एक पदार्थ से हमें उस बीमारी का समाधान भी मिल सकता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण में बतलाते हैं कभी कभी हमें दूध ज्यादा पीने से जो है हमारा तबीयत खराब हो सकता है, तो जैसे बोलते हैं ना लूज मोशन हो जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसी दूध का दूसरा रूप है दही। अगर आप दही खाएंगे तो आपको जो जुलाब लगा है वो बंद हो जाएगा। जिस चीज ने आपको बीमारी दी है वही चीज आपके बीमारी का समाधान भी बन सकता है। तो ये जो है उदाहरण दिया गया है ये बतलाने के लिए, जिस भौतिक जगत में रह के हम कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमारे बंधन का कारण बना है, उसी जगत में हम अगर हम भक्ति करेंगे वही चीजों को लेके, तो हमारे मुक्ति का कारण बनेगा। तो ये एक 33 वाले श्लोक में जो है बताया गया है। अभी हम 34वें श्लोक में आ जाते हैं। तो कामदा एकादशी का शास्त्रों में वर्णन आता है पुराणों में कि किस तरह से दो गंधर्व थे, ललिता और ललित नामक। और एक बार ललित जो है अपने राजसभा में कीर्तन कर रहा था, भगवान का कीर्तन नहीं, उसको गा रहा था राजा के आनंद के लिए। और वो गाते गाते समय अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा और गाते समय उससे थोड़ी त्रुटियां हो गई, गलती हो गई। तो राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसको श्राप दे दिया कि तुम भयंकर रूप से गंधर्व से दानव बन गए। तो फिर वो दानव बन गए। तो बताया जाता है ललित और ललिता, ललिता फिर भी गंधर्व थी लेकिन ये दानव के रूप में पूरे जंगलों में घूम रहे थे। तो ऐसे घूमते घूमते एक सिंगी करके साधु से मिलते हैं वो। तो ये सिंगी भागवतम के सिंगी नहीं है, दूसरे सिंगी है। तो उनसे मिलते हैं और ललिता बोलती है कि इतने प्रभु जी कैन यू कम क्लोजर टू द माइक, डिवोटीज आर नॉट एबल। तो जो है कि श्रृंगी जो है उनसे ललिता जी जो है वो प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति को ऐसा श्राप मिला है जिससे वो राक्षस बन गए हैं, तो आप कृपया करके मार्गदर्शन करें जिससे हम इस राक्षस रूपी स्वरूप से हम बच सकें, उनको जो है उद्धार हो जाए, उसको वापस से गंधर्व के शरीर मिल जाए। तो श्रृंगी ऋषि जो है बतलाते हैं कि ये कामदा एकादशी जो आज है, उस दिन अगर कोई तीव्रता से भक्ति करता है, उस दिन कोई पूरी तरह से फास्टिंग करता है, तो आपने जितने भी पाप किए हैं उससे सब मुक्त हो जाते हैं करके ऐसा वो बतलाते हैं। और फिर बताया जाता है ललिता जो है पूरी तरह से फास्टिंग करती है इस एकादशी पे, और उनके पति ललित जो है उनको राक्षस का शरीर छोड़ के गंधर्व का शरीर मिलता है और दोनों जन वहां से सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। तो ये कहानी कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को भी सुनाई थी। और बताया जाता है वशिष्ठ ऋषि ने राम के जो पिताजी के पिताजी के पिताजी मतलब उनके परम पिताजी या दादाजी दिलीप, उनको भी सुनाया था। तो ये पूरा परंपरा में एक कथा है। तो हमें समझना चाहिए कि आज एकादशी के शुभ अवसर पर हमें भागवतम सुनने का मिलता है,
तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेरे श्रोता गण हैं, अगर वो निकालने से क्या फायदा होता है, जो भी कहानी बताई है या जो भी कोई मुख्य चीज बताया है अगर आप लिख लेंगे तो आप भी इसका मनन कर सकते हैं, दूसरों को प्रचार भी कर सकते हैं ऐसी चीजों का। और अगर आपने लिखा नहीं होगा तो जैसे ही प्रवचन खत्म हो जाएगा आप सब कुछ भूल जाएंगे। कुछ चीजें आपको याद रहेंगी पर समय के साथ साथ सब हम भूल जाते हैं, इसलिए ये बहुत आवश्यक है जब प्रवचन सुन रहे हो तो हमेशा नोट्स निकालें, क्योंकि जब कथाकार कथा करते हैं तो हर एक का उद्देश्य रहता है कि वो अच्छे से अच्छे शास्त्रों में जो उन्होंने पढ़ी है, जो उनको अच्छा लगा है वो बताएं। तो अभी हम 33वें श्लोक में हमने सुना कि कैसे दूध से अगर तकलीफ हो तो दही लेके हमारी वही तकलीफ दूर हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं 34वें श्लोक में कि कैसे भक्ति कितना शक्तिशाली है, और अगर हम उसमें सेवा करें तो हमारा जितनी भी आसक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। जैसे एक पेड़ होता है, वो पेड़ का आसक्ति का पेड़ जो है, जो 15वें अध्याय में प्रभुपाद जी बतलाते हैं, बरगद का पेड़ है, बेनियन ट्री, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि भक्ति करने से उसका पूरा नाश होता है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे अगर हम गुरु की सेवा करें अर्थात भक्तों की सेवा करें तो सेवा करने मात्र से गुरु या भक्त जो है प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के कारण वो जो है आपको आध्यात्मिक उन्नति की शक्ति देते हैं। दे इंजेक्ट विद ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, अर्थात वो आपको, ऐसा कई बार होता है हम वैष्णव की सेवा करते हैं, समझ ले हम खिचड़ी बांट रहे हो, लेकिन खिचड़ी बांटते बांटते कोई आके हमें थैंक यू नहीं बोलता, कोई आके जो है ये नहीं बोलता कि हाँ मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर ये ध्यान रखिए, जब भी आप वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से आप में आध्यात्मिक शक्ति आ रही है, और आध्यात्मिक शक्ति आ रही है, उस शक्ति का फल कैसे आपको मालूम चलेगा? आध्यात्मिक शक्ति आ रही है आपको मालूम चलेगा जब आपकी आसक्ति हो रही है श्रवण करने के लिए, जब आप हरि कथा की तरफ आसक्त हो रहे हैं, आपका मन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भक्तों का जो आपने सेवा किया है उसका फल स्वरूप आपको ये शक्ति मिल रही है, जिससे आरण आप भगवान की कथा में रुचि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है भक्तों के लिए समझना। फिर हम 35वां श्लोक सब साथ में पढ़ेंगे। यद अर्थ अत्र क्रियते कर्मा भगवत प्रीतोषणम ज्ञानम यतत अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। तो बताया जाता है भक्ति योगा का मतलब है कि भगवान का जो मिशन है उसमें कार्य करना, उसमें संतुष्टि कर। तो भगवान के जो दिव्य उपदेशों का पालन करना ही भक्ति योगा है। और जब हम इस तरह से भक्ति कर रहे हैं तो जो ज्ञान है वो उससे नीचे झुक जाता है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों की तुलना करें तो इसमें लिखा है तीसरी लाइन में, ज्ञानम यत्तद अधीनम, अधीन हो जाता है ज्ञान, मतलब झुक जाता है ज्ञान भक्ति के सामने। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, यहाँ तो सिर्फ ज्ञान का वर्णन किया गया है, पर हमें ऐसा बताया गया था कि भक्ति माता के समान है और उसकी दो पुत्रियां भी हैं, उनका नाम है भुक्ति और मुक्ति। भक्ति की दो पुत्रियों का नाम है भुक्ति और मुक्ति। मुक्ति तो सबको मालूम है, लिबरेशन, बैक टू गॉडहेड जाना, और भुक्ति मतलब हर तरह से इंद्र भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन। पर भक्ति इतना शक्तिशाली है कि हमेशा भक्ति के साथ साथ भुक्ति और मुक्ति हमेशा चलेंगे चलेंगे। पर भक्त भक्ति में इतना एकाग्र होता है कि ना उसको मुक्ति में कुछ रुचि होती है ना भुक्ति में कुछ रुचि होती है। तो दुनिया भर का इंद्र भोग भी रहेगा उसके सामने तो उसका मन जरा भी इंद्र भोग की तरफ नहीं जाएगा, सीधा भक्ति की तरफ ही जाएगा। महाराज कुछ समय पहले अमेरिका में किसी जो है बड़े जो है धनी व्यक्ति ने महाराज को बुलाया था, और वहां पे महाराज का एक, उनका जो धनी व्यक्ति था उनका खुद का आइलैंड था, तो महाराज के लिए अलग से, एक अलग से उनको पूरा बंगलो दिया था, और वो बंगलो बिल्कुल जो है
ओशन के सामने, समुद्र के सामने था और एकांत में महाराज के अलावा वहां कोई भी नहीं, सिर्फ जो है सेवक आता था महाराज को प्रसाद देने के लिए और जब मुलाकात होती थी तब। तो पूरे आइलैंड पे वो एक परिवार था जिसने महाराज को बुलाया था और एक महाराज थे। तो महाराज बोले, ऐसा शांति का वातावरण था जो मैंने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। और वहां से कार्यक्रम करके महाराज न्यूयॉर्क आए वापस। तो न्यूयॉर्क में महाराज मंदिर में बोल रहे थे, यहाँ पे इतना भीड़ है, जगह भी नहीं है, छोटे से जगह में हम लोग ठहरे हुए हैं सब लोग और इतना भीड़ भाड़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं गुरु की ज्यादा सेवा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा खुश हूँ। वहां पे इंद्रभोग के लिए बहुत था, पूरा का पूरा आइलैंड में हार्डली 4 लोग थे हम लोग, लेकिन महाराज बोले वहां पे मेरे गुरु के लिए मैं ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पे मुझे आराम के लिए बुलाया था, पर यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैं गुरु को ज्यादा प्रसन्न कर रहा हूँ प्रभुपाद जी को। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क के भीड़ भाड़ के शहर में जो है मैं प्रचार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो ये हुआ 35वां श्लोक। तो आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, मैं जस्ट गूगल कर रहा था, भागवतम बतलाता है हमारा जीवन कितना जो है एक तरह से कह सकते हैं क्षणभंगुर है, इट्स सो टेम्पररी, कभी भी खत्म हो जाता है। भागवतम बतलाता है जैसे समुद्र में जो है बबल्स आते हैं, बबल्स मतलब पानी के गुलगुले, वो एक पल में रहते हैं, एक पल में खत्म हो जाते हैं। गूगल में कर रहा था देखने के लिए कितने लोग दिन के मरते हैं, तो जैसे ही मैं जा रहा था डेथ मतलब तो सीधा कोरोना वायरस का ही कितने लोग मरे हैं, पूरी दुनिया में वही चीज लोग ढूंढ रहे हैं। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो रोज 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, ये जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, 1.5 लाख लोग रोज के मर रहे हैं बिना कोरोना वायरस के। अभी कोरोना वायरस आ गया तो और बढ़ गया होगा, वो अलग चीज है। तो हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, अगर आप 2 मिनट सोचेंगे, मृत्यु के पश्चात उसके बारे में कोई कुछ सोचने वाला नहीं है। हाँ, किसी का कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई परिवार वाले हैं तो वो लोग कुछ समय उसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे और फिर क्षणभंगुर, पूरा का पूरा हमारा जीवन खत्म। कितने डिग्री प्राप्त किए, कितना पैसा प्राप्त किया, कोई हमारे लिए वो कोई काम का नहीं रहेगा। हो सकता है हमारे बच्चे पैसे वैसे का इस्तेमाल कर लें। तो आप ये समझिए, अब जैसे मेरे पिता भौतिक रूप से देखा जाए तो बहुत कामयाब व्यक्ति हैं। क्यों? उनके 2 बच्चे थे, बड़े पोस्ट पे थे, उनका उन्होंने जीवन पूरा अपने बच्चों का पोषण किया, ये किया, और अभी उनका चले गए हैं। वो अभी जो चले गए हैं किसी दुनिया को पड़ी नहीं है, कौन थे वो व्यक्ति। ऐसे रोज 1.5 लाख लोग मरते जा रहे हैं। तो ये समझना है कि जीवन में सबसे मुख्य चीज है वो है भक्ति। हाँ, हमें परिवार का पोषण करना है, हमें जो है पैसे कमाने हैं, हमें वो सब कार्य करना है, लेकिन वो सब कार्य करते करते हमें ये चीज नहीं भूलना कि हमें जो है भक्ति भी करनी है और भक्ति सर्वोत्तम है। ठीक है, फिर 36वें श्लोक में बतलाते हैं कि हमें सब कार्य भगवान को, वन रिमेम्बर्स लॉर्ड कृष्णा वेल वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि भगवान के जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें प्रसन्न करना है भगवान को, वो ध्यान रखते हुए हर कार्य करना है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर आप बोलते हो मैं किसी को प्यार करता हूं तो प्यार मतलब सेवा है, और सेवा मतलब सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करना। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। अगर आप किसी को प्यार करते हैं बोल रहे हैं तो उसकी सेवा करें। अभी हम लोग सब परिवार वालों के साथ में हैं तो हमें चाहिए कि हम सबकी सेवा करें, और सेवा इस तरह से करें कि वो व्यक्ति प्रसन्न हो। तो प्रभुपाद जी 36वें श्लोक में बोलते हैं कि तात्पर्य में कि यहाँ तक कि कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, देवताओं की यज्ञ कर रहा है, तो उसमें भी विष्णु की भक्ति आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो उसका उद्देश्य ये है कि भले ही व्यक्ति जो है वो देवताओं की पूजा कर रहा है, लेकिन
हर देवताओं की पूजा में विष्णु भक्ति भी है। जैसे इसका उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जब भी कोई गणेश की आरती करता है तो गणेश की आरती में देखिए आप हमेशा वो आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वो गणेश जी की पूजा कर रहा है पर उसको मालूम नहीं, पर वास्तविक रूप में वो कृष्ण को भी पूजा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी 35 वाला तात्पर्य में दो तीन चीजें और बतलाते हैं। बोलते हैं आप जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं उसका फल भगवान को देना चाहिए। तो ये शायद 36वें श्लोक में है, उसमें बतलाते हैं कि किस तरह से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते करते आपको जो है अपना धन थोड़ा सा वो अर्पण करना चाहिए भगवान की सेवा में। फिर लिखते हैं कि रूप गोस्वामी ने बताया है और प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कम से कम 50%। तो 50% अपना धन जो आप कमा रहे हैं वो भगवान की सेवा में देना चाहिए, भगवान के प्रचार में देना चाहिए। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोलते हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। फिर राधेश्याम प्रभु ने 50% का 10% कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, जो मेरे श्रोतागण है वो बोलेंगे यार प्रभु जी तो यार प्रवचन देते देते जो है पूरा 50% हमारा इनकम ले लिए। तो राधेश्याम प्रभु ने 10% बोला है और मैं आपको उससे भी एक अच्छा परसेंटेज बोलता हूँ, 10% भी ज्यादा लग रहा है तो चिंता मत करिए। जो आपको परसेंटेज देना हो, किसी को 1-2% भी देना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लाके दीजिए, क्योंकि आप देने लगोगे तो कृष्णा भगवान उससे प्रसन्न होंगे और कृष्णा भगवान आपको प्रेरणा देंगे और आगे आप कैसे दे सकते हो। और हो सकता है कि भगवान आपको इतनी शक्ति दें जिससे आपका भी धन समृद्धि हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो ये एक पॉइंट हुआ कि प्रभुपाद जी 36वें श्लोक में तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो कमा रहा है उसका उनको कितना भाग देना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर दुनिया के जितने भी सबसे धनी व्यक्ति हैं अगर वो लोग 50% दें तो पूरी दुनिया कृष्ण भक्त बन सकती है। ये दूसरा पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं। अच्छा, फिर भक्तों के लिए बोलते हैं अगर आप अपना आमदनी का, भले ही आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 5, 10, 20 या 50% भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रचार कार्य करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं धन तो देना एक चीज है, लेकिन धन के साथ साथ बहुत मुख्य है कि हर कोई अपनी क्षमता अनुसार प्रचार करे। तो ये दोनों चीज है, एक तो आपको डोनेशन देना है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि डोनेशन दे दिया तो हो गया, मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है, देखो मैंने अपनी आमदनी का इतना टका भगवान को दिया। नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसके साथ साथ प्रचार करना भी जरूरी है। और बोल रहे हैं प्रचार कार्य चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, प्रचार कार्य इतना अच्छा है चैतन्य महाप्रभु का। प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ गाना है, नाचना है और प्रसाद खाना है, इससे कौन आकर्षित नहीं होगा, किसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे करके प्रभुपाद जी 36वें श्लोक में बोल रहे हैं। और हमारे कथा के बीच में ना सिंगिंग है, ना डांसिंग है और ना प्रसाद है। हाँ, आप लोग अपने अपने घर में खा रहे हैं प्रसाद वो अलग बात है, पर इस कार्यक्रम में जूम के चैनल में ना सिंगिंग है ना डांसिंग है ना प्रसाद है, पर फिर भी भगवान की हरि कथा इतनी शक्तिशाली है, लोग जुड़े हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि श्रवण करते करते लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। तो अभी हम 37वें श्लोक पे जाएंगे और सब लोग साथ में जो है उच्चारण कर सकते हैं श्लोक। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो अभी पूरे इसका सार ये है कि चलो हम भगवान का गुणगान करें। तो भगवान में वासुदेव हैं और वासुदेव के जो है प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण जो उनके रूप हैं उनका सबका श्रवण करें, कीर्तन करें, ये 37वें श्लोक में बोला है। 38वां श्लोक बतलाता है कि अभी हम ये व्यासदेव जी बतला रहे हैं कि हमें श्रवण करना है और श्रवण करना है भगवान का जो हरि कथा के रूप में है, मतलब भगवान का हम पूजा करेंगे ध्वनि के रूप में, साउंड के रूप में भगवान की हम पूजा करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति दूर होगा, मतलब काफी जो है डिस्टेंस पे होगा,
लेकिन अगर वो उधर से ध्वनि करता है तो हम ध्वनि सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखिए भौतिक रूप से भी कैसे काम करता है। अगर समझ लीजिए कोई कितने मीटर दूरी पे है, और प्रभुपाद जी दूसरी जगह लिखते हैं अगर कहीं अंधेरा भी हो, ठीक है, तो हम व्यक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन वो आवाज करेगा तो हम आवाज सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक रूप में ये इतना लागू हो सकता है, तो आध्यात्मिक रूप में क्यों नहीं लागू हो सकता। कोई अंधेरे से ध्वनि करता है तो हम आवाज सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं वो व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से जब हम हरि कथा सुनते हैं तो हरि कथा सुनने से भी हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी दूसरी जगह उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति सोया रहता है, नींद में रहता है, तो अगर अलार्म बजते ही वो उठ जाता है, तो वापस से ध्वनि है, साउंड है, वो साउंड से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम हरि कथा सुनेंगे तो हरि कथा सुनने से हम वापस आध्यात्मिक रूप से जागृत अवस्था में आ सकते हैं। फिर 39वां श्लोक है, तो नारद मुनि बोलते हैं उसके कारण मुझे शास्त्रों का ज्ञान मिला, मुझे आध्यात्मिक शक्ति मिली और मुझे भगवान की सेवा मिली। ये तीन चीज मुझे मिला क्योंकि मैंने भक्ति वेदांतों का, ब्राह्मणों का सेवा किया। तो प्रभुपाद जी इसका पूरा सार बता देते हैं कि अगर किसी को गुरु में पूरी तरह से श्रद्धा है और वो गुरु की पूरी तरह से सेवा करता है, तो जो नारद मुनि को मिला वो हमें भी मिल सकता है। जो नारद मुनि को मिला वो हमें भी मिल सकता है अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें और हम अपने गुरु की पूरी तरह से सेवा करें। वी कैन गेट बाय परफेक्टिंग द चैंटिंग। जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे उससे हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो नारद मुनि ने प्राप्त किया था। और फिर जो है आखिरी वाले श्लोक में बताते हैं कि भगवान की लीला का गुणगान करना ही सबसे जो है सभी लोगों का दुख हरण करने का मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय भगवान के हरि कथा के। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि एक ही समाधान है कि हमें हरि कथा का जितना हो सकता है प्रचार करना चाहिए। और वो बोलते हैं 8 तरह के लोग होते हैं सृष्टि में, 4 अच्छे 4 बुरे। 4 अच्छे तो गीता में बताया गया है, अर्थो जिज्ञासे अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्वः। और 4 जो बेकार लोग होते हैं वो है जो कर्मी होते हैं, दूसरे तरह के जो हमेशा इंद्रभोग में लगे होते हैं, तीसरे तरह के जो भौतिक रूप से काफी जो है समृद्ध है, धनी है, पर वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, और आखिरी में बताते हैं नास्तिकवादी। तो ये सब 40 वाले श्लोक में, ये 40वें श्लोक में ये सब बताया गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये 8 तरह के लोग, 4 अच्छे 4 बुरे, सबका कल्याण एक ही मार्ग से होगा, वो है भगवान की हरि कथा सुन के। तो हरि कथा में इतनी शक्ति है, आप कोई भी हो, किसी भी स्तर पे हो, आपने पहले जीवन में क्या किया है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका जन्म कहाँ हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप पुरुष हो स्त्री हो, आपके पास कितना धन है या कितना धन नहीं है, आपने कितना आध्यात्मिक उन्नति की है, कितना पढ़ाई लिखाई किया है, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी अवस्था में आप संपूर्ण रूप से लग्न हो जाते हो श्रवण करने के लिए, हरि कथा करने के लिए, हरि भक्ति करने के लिए, तो आपको संपूर्ण रूप से कृपा मिलेगा और आपका जीवन सार्थक होगा। तो ये श्लोक के साथ हमारा 5वां अध्याय संपन्न होता है। और जैसे मैंने बताया 5वां अध्याय का सार है भगवान की हरि कथा सुनना। यही चीज व्यासदेव जी को नारद मुनि ने बताया है। तो ये जो है दोनों भगवान के अवतार हैं, उनमें चर्चा चल रही है, भागवतम के पन्नों में लिखा है। हम लोग के लिए एक चीज इस अध्याय में समझना है कि हमें जितना हो सकते भगवान की कथा सुनना है, अपना शुद्धिकरण करना है और दूसरों को भी बांटना है। तो ये है 5वें अध्याय का सार। ठीक है, तो मैं एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा। ये राधानाथ महाराज ने अपने किताब जर्नी विदिन में बताया है। एक किसान था, उसके पास घोड़ा था। तो जब वो घोड़ा किसी तरह से रात को भाग जाता है वहां से,
तो किसान के जो पड़ोसी होते हैं दोस्त, वो बोलते हैं अरे कितना दुर्भाग्यशाली व्यवस्था आपका है जीवन, आपका एक आध घोड़ा जो था वो तो चला गया, भाग के नुकसान हो गया। तो वो किसान एक ही चीज बोलता है कि क्या दुर्भाग्य है क्या अच्छा भाग्य है वो तो समय ही बताएगा। और देखते हैं 2 दिन के बाद वो घोड़ा एक घोड़ी को लेकर आ जाता है, तो सारे पड़ोसी बोलने लगते हैं अरे आपका तो क्या भाग्य है, बहुत ही आप भाग्यवान है, देखो घोड़ा तो गया अभी घोड़ी को भी साथ में लेकर आ गया। तो फिर से जो है किसान वही बोलता है दुर्भाग्य क्या है अच्छा भाग्य क्या है वो तो समय बताएगा। तो उसका बेटा उसके इस घोड़ी को संयम में करने की कोशिश कर रहा था और घोड़ी जोर से उसको गिरा देती है, उसका पैर टूट जाता है। तो फिर से पड़ोसी बोलने लगते अरे आपका कितना दुर्भाग्य है आपका बेटे का पैर टूट गया। तो फिर से वो यही बोलते हैं अरे समय बताएगा क्या है असली भाग्य। और तभी बताया जाता है उस देश में वॉर हो जाता है और जो गवर्नमेंट बोलती है सारे के सारे युवा पीढ़ियों को वॉर में जाना है, तो सब के पुत्रों को लेके जाते हैं सिवाय इसके पुत्र को, क्योंकि इसका पैर टूट गया था। तो फिर पड़ोसी लोग बोलते हैं अरे आपका तो बहुत भाग्य है आपके बेटे का पैर टूट गया। तो महाराज ये कहानी बतलाते हैं कि किसी दृष्टांत से कभी कोई बोलेगा ये दुर्भाग्य है, किसी दृष्टांत से कोई बोलेगा ये जो है सौभाग्य है, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, गुड लक या बैड लक। पर वास्तविक रूप में अगर आप भक्ति करें हर परिस्थिति आपके लिए गुड लक बन जाएगी, और अगर आप भक्ति नहीं करें तो हर परिस्थिति आपके लिए बैड लक बन जाएगी। तो अभी इस परिस्थिति में भी हमें चाहिए कि हम सब लोग दिल लगा के भक्ति करें, और किसी भी अवस्था में है तो हम लोग जरा ध्यान रखें अपना, क्योंकि पूरे वातावरण में फैल रहा है। अमेरिका के मेरे भक्त हैं निखिल करके, उन्होंने मुझे बताया उधर 1 लाख से 2.5 लाख लोग में फैल गया है, पूरा लॉकडाउन चल रहा है पूरे विश्व में। तो हम लोग भी जो है सावधानी रखें और पूरा मन एकाग्र होकर कृष्ण भक्ति में करें और ज़्यादा विचलित ना हो। तो आज एकादशी का दिन है, थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स करना है, तो आज मैं प्रवचन को यहीं पे विराम दे रहा हूँ और कल हम लोग 6ठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।